गुड मॉर्निंग। ब्रश करते हैं, नहाते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे तुरंत आधे घंटे में। अभी पहले ब्रेकफास्ट करेंगे और शायद टाइम हुआ है 10 बज गया है, सो आई एम लेट। मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ मेरे ब्रेकफास्ट टेबल पे। ये मेरा ब्रेकफास्ट है आज का और साथ ही में जूस मिलेगा मुझे। मीटिंग एंड ऑल सब कुछ हो गया है, अब जाएंगे हम लोग भोजन करने। भोजन करने के बाद मैं प्लान कर रहा हूँ कि लाइव आऊँ, लाइव इन द सेंस पबजी गेमिंग लाइव चालू करूँ। नॉट प्रोफेशनल लेवल बट हाँ, बिगनर लेवल तो कर सकता हूँ। और आज खाने में क्या क्या है देखते हैं मॉम के पास जाके। मम्मी मम्मी बोलो बेटा, खाने में क्या क्या है आज? आज है पालक पनीर, रोटी, चावल, चटनी और चार नहीं है। नहीं मैं नहीं, आप खाइएगा, मेरा तो गला बैठा हुआ है। चटनी है मेरे पास और ठंडा पानी। तो खाना खा लो, खाना खा के फिर मिलते हैं। और लॉकडाउन चल रहा है तो बेसिकली होम व्लॉग्स ही आएंगे, सॉरी। तो कुछ कुछ नई नई चीज़ें रहेंगी उसमें भी, देखते हैं। और बैकग्राउंड म्यूज़िक थोड़ा इग्नोर करना, टीवी चल रहा है थोड़ा बहुत ज़्यादा ज़ोर से चल रहा है, पता नहीं क्यों। बाकी कुकिंग भी होगी, जिमिंग भी होगी, फिटनेस को भी देखा जाएगा, डाइट जो मैं कर रहा हूँ वो भी बताऊँगा और कितना सोता हूँ वो भी बताऊँगा। मैंने कर ली है अपनी स्ट्रीम पूरी, एक घंटे की मैंने स्ट्रीम की है। होपफुली अच्छा खेला है मैंने, और नहीं देखी है तो जाके मेरे चैनल पे देख लेना। दूसरा अभी एक और मीटिंग है, जो सुबह क्लाइंट के साथ मीटिंग था उसी ने रीशेड्यूल करके 4:30 किया है। कुछ उसको कॉल्स आ रहे थे एंड लंच टाइम भी था तो उन्होंने 4:30 का शेड्यूल किया था। तो अभी मैं जाता हूँ फटाक से मीटिंग अटेंड करता हूँ, मीटिंग के बाद फिर मेरा वर्कआउट है। तो मैं आपको मेरा वर्कआउट दिखाऊंगा कि मैं कहाँ से करता हूँ वर्कआउट और कैसे करता हूँ। आज मेरा वर्कआउट होपफुली 30-35 मिनट्स का होगा। और अब हम करेंगे वर्कआउट फॉर 30 मिनट्स, और 30 मिनट्स जो वर्कआउट होगी वो होगी क्योर फिट पे। और क्योर फिट एक ऑनलाइन जिमिंग सेंटर है, मैं उस पर करता हूँ। वो लाइव चलता है सेशन, उसके पीछे पीछे मैं वर्कआउट करता हूँ, आपको मैं दिखाऊँगा। ओके, सो मेरा सेटअप कुछ ऐसा होता है, ये मेरे लैपटॉप पे वर्कआउट भी चलता है और नीचे दूसरा जो फ़ोन है उसमें भी चालू रहता है, जिससे एनर्जी मीटर इनेबल रहता है। जैसे आप देख सकते हैं 30 स्कोर है अभी का मेरा, और कुछ 8 या 9 सेकेंड में ये वर्कआउट चालू हो जाएगा। अब मैं वर्कआउट चालू करता हूँ और आप इन्जॉय करो ये वर्कआउट सेशन। ये होगा टाइम लैप्स पे, तो होपफुली आपको मज़ा आए। कैसा वर्कआउट कर रहा हूँ देखो, अब चालू हो गया। Someone you leave behind, I'll break your heart so you don't break mine. For I love you, na na na, I'm gonna leave you, na na na.
वर्कआउट हो गया, गुड 45 मिनट्स का वर्कआउट हो गया है पूरा, और कोर और ऑब्लिक्स बर्न आउट है पूरा, एकदम थकान जैसा लग रहा है। अभी फटाफट मैं नहाता हूँ, ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ। मेरा पानी यहाँ गर्म हो रहा है, मेरा कॉफ़ी का जार यहाँ है, सब यहाँ है, और मेरे डैड अभी काढ़ा बना रहे हैं अपने लिए और मॉम के लिए, वो कढ़ाई चल रही है उसकी, फिर वो गर्म पानी में जाएगा और उसको बॉईल करके फिर उसमें एक कप पानी में 2 चम्मच हनी और बॉइल्ड वाटर ये पीते हैं और मैं ये पीऊँगा। भैया भाई शाम की कॉफ़ी, शाम की कॉफ़ी और लॉकडाउन की शाम, ये मौसम 4 दिन से ऐसे ही लगा रखा है, बारिश बारिश बारिश। और ये मेरे बाजू में जो है ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, मैं पिछले 1.5 महीने से देख रहा हूँ कि पुलिस वाले कितना काम कर रहे हैं, कंटिन्यूस वर्क पे 24x7। ये जितने भी सामने आपको खिड़कियाँ दिख रही हैं ये सारे रूम्स हैं, यहाँ वो लोग सोते हैं, वहीं उठ के वहीं पे फ्रेश अप होके फिर वर्क पे आ जा रहे हैं, नॉट गोइंग देयर होम, मतलब स्ट्रगल है, हैट्स ऑफ टू देम, दे आर द रियल हीरो। कभी डैड के साथ, कभी मॉम के साथ, और कभी दोनों के साथ यहीं बैठ के हम लोग गपशप करते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं, इवनिंग टी या कॉफ़ी इंजॉय करते हैं। और ये जो पीछे जो बैकग्राउंड में बहुत ही अच्छा लग रहा है, मुझे देख रहा था उसी को, यहाँ एक है, एक यहाँ पक रहा है, एक इसके अंदर पक रहा है और एक यहाँ पक रहा है, लेट्स होप सब अच्छे से पक जाए, कोई भी कच्चा ना रहे। है डैड का एक वाइट का एक, और ये 2 मसाला है मुझे मॉर्निंग दिया है, जो कि इसमें जाएगा हाफ और हाफ इसमें जाएगा, पहले मैं इसमें डालूंगा तो बॉयल होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा शालो पर, तो मैं उसको साथ ही इसमें डाल दूँगा। ओके, फिर एक वाइट के प्रोसीजर में, तो ये एक येलो वाला पार्ट अब होने वाला है, ये डैड का है, ये मेरा है, ये पनीर जैसा दिख रहा है लेकिन ये है एक वाइट, मैं इसको शालो फ्राई कर रहा हूँ, और शालो फ्राई करने के बाद मेरा जो ग्रेवी बचा है वो इसमें डाल दूँगा, तो फ्राई भी हो जाएगा और अच्छा सा मसाले वाला एक ये एक वाइट वाला, और साथ में मैंने 3 पीस येलो भी ले लिया है। एंड इज इंजॉइंग, कैसा बना है? मस्त। इनसे पूछता हूँ, आज तो शुरुआत की है, जय श्री राम किया है, तो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करता हूँ। होप आपको अच्छा लगा हो मेरा जिम रूटीन, मेरा शेफ मोड, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है उसमें, और जगह बहुत छोटा है, एज यू नो आपने देखा होगा, बहुत ही कॉम्पैक्ट जगह, बालकनी में हमने वो नॉन वेज का चिकन किचन सेट किया है। बाकी कुछ नहीं, ऑल गुड, टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर करो, सब्सक्राइब बटन दबाओ। आई नो मैं बहुत ही दिनों बाद व्लॉग डाल रहा हूँ, बहुत ही महीनों बाद व्लॉग डाल रहा हूँ, बट अब कोशिश करूँगा कि अब रेगुलर रहूँ, और आपको आगे आने वाली जो चीज़ें हैं जो प्लानिंग हुई थी और लॉकडाउन की वजह से और कोविड की वजह से शिफ्ट हो गई हैं वो आगे, तो सून आपको कुछ अलग अलग न्यूज़ भी मिलेंगे। और एक और चीज़ मैं शेयर करूँगा जिसके लिए मैं सेपरेट व्लॉग बनाऊँगा, सो टेक केयर, गुड नाइट, शबा खैर।